हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बाल विवाह एक ऐसी कुप्रथा है जिसमें फंसकर न जाने कितनी बच्चियों की जिंदगियां नरक बन गई। तो आइए एक छोटे से नाटक के माध्यम से बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त करने के संबंधित एक दृश्य का अवलोकन करें और साथ ही साथ हम मिलकर यह प्रण लें कि इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए हम दम लगाकर पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद। शादी ने कर दी है? हाँ बहन, बहुत ही अच्छा क्रिसमस किया है। वो तो ठीक है, लेकिन अभी अंजलि की उम्र क्या है? और वैसे भी आप तो जानती हो कि कम उम्र में शादी करना कानूनी तौर पर जुर्म है। अभी तो बेचारी की खेलने खाने की उम्र है, अभी से शादी? ना ना, मैं तो इस बात को नहीं मानती। तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होगा, मैंने फैसला कर लिया है बस। अंजलि, अभी तुम्हारी उम्र ही 12-13 साल है, इतनी छोटी उम्र में अगर तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें आगे जाके परेशानी आएगी। मेरा कहना मानो तो शादी से मना ही कर दो। अंजलि, अगर तुमने इसकी बात मानी तो तुम मेरा मरा मुझे देगा। फैसला तुम्हारे हाथों में, तुम इसकी बात मानते हो या मेरी? तो ठीक है, मैं भी देखती हूँ कैसे होती है शादी। अब ये मामला सीधा कोर्ट तक जाएगा। कोर्ट जाओगी? ठीक है ना, कोर्ट में भी तुमको देख लेता हूँ, तुम क्या कर लेते हो। अंजलि, वो जरा फाइल लाना। लो एक यही जन्म प्रमाण पत्र जिसे मैंने फाड़ दिया। अंजलि, तुम कान खोल कर सुन लो, कोर्ट पर तुम पर कितना भी दबाव बनाया जाए तुम्हें एक शब्द नहीं बोलना है, वरना अपनी जान दे दूंगा। ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। योनर, मेरे मुंह वकील मिस्टर रमेश कुमार ने अपनी छोटी बहन की शादी एक अच्छे परिवार में तय की थी, जबकि मिसेज अनामिका जी को ये बात अच्छी नहीं लगी, लिहाजा उन्होंने अपनी छोटी बहन को नाबालिग बताते हुए शादी में बाधा डालने की नियति से मेरे मुंह वकील मिस्टर रमेश कुमार पर झूठा इल्जाम लगाया है। इसलिए मेरी कोर्ट से दरख्वास्त है कि मिसेज अनामिका जी को कड़ी से कड़ी सजा देते हुए मेरे मुंह वकील मिस्टर रमेश कुमार को बाई चेत बरी किया जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। वाह मिस्टर माथुर, वाह, क्या कहानी खड़ी है आपने। आपको तो किसी फिल्म की स्टोरी लिखनी चाहिए। ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड। चिल्लाइए मत मिस्टर माथुर, चिल्लाना मुझे भी आता है। आपने कितनी आसानी से कह दिया कि बड़ी बहन ये नहीं चाहती कि उसकी छोटी बहन की शादी किसी अच्छे परिवार में हो, ऐसा कहकर आपने दो बहनों की ममता को गाली दी है मी लॉर्ड। बल्कि सच तो ये है, मिस अंजलि पूरी तरह नाबालिग है। मिस्टर रमेश कुमार ये जानते हुए भी उनकी शादी करवाना चाहते हैं, इसलिए मिस अनामिका जी ने ये फैसला लिया कि वो ये शादी नहीं होने देंगी। इसलिए मेरी इस कोर्ट से दरख्वास्त है कि वो इस शादी को तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दें। दैट्स ऑल योर ऑनर। विलोद, मुझे लगता है मिस चांदनी जी को वकालत की कुछ और किताबें पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि शायद इन्हें ये नहीं पता कि कोर्ट की कार्यवाही सिर्फ दलीलों पर नहीं बल्कि सबूत के आधार पर की जाती है। अगर इनके पास ऐसे कोई सबूत है जिसे सिद्ध कर सके कि मिस अंजलि नाबालिग है तो पेश करें ऐसा सबूत। मिलॉर्ड, मिस अंजलि की बड़ी बहन ये स्वयं बता रही है कि वह नाबालिग है, क्या इतना काफी नहीं है? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड। कहने को तो मिस्टर रमेश कुमार भी कह रहे हैं कि उनकी बहन बालिग है, क्या उनकी बातें गलत है? मिलॉर्ड, मैं तो ये कह रहा हूँ इनके पास ऐसे कोई सबूत ही नहीं है जिसे ये सिद्ध कर सके कि मिस अंजलि बालिग है, वरना मैं तो कह रहा हूँ है कोई सबूत? सबूत सबूत सबूत, तंग आ गई हूँ मैं आपकी ये बातों से। मिलॉर्ड, मिस्टर माथुर बार बार सबूत की दुहाई इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है मिस अंजलि कभी स्कूल तो गई नहीं, और रही बात उनके जन्म प्रमाण पत्र की, वो भी मिस्टर रमेश कुमार ने फाड़ दिया। अगर आपको मेरी बातों पे भरोसा ना हो तो आप मिस अंजलि को बुला सकते हैं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मिस अंजलि को विटनेस बॉक्स में हाजिर किया जाए। मिस अंजलि हाजिर हो। मिलॉर्ड, मैं मिस अंजलि से कुछ सवाल करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है? हाँ तो मिस अंजलि, आप मुझे ये बताइए कि आपको अपनी बड़ी बहन से कोई दुश्मनी है क्या? नहीं। तो बड़े भाई से ही कौन सी दुश्मनी है? आप शांत रहिए मिस्टर माथुर, पहले मुझे मेरे सवाल तो पढ़ लेने दीजिए। हाँ तो मिस अंजलि, आप मुझे ये बताइए कि क्या ये बात सच नहीं है कि आप अभी 15 या 16 साल की हैं और ये जानते हुए भी आपके बड़े भाई आपकी शादी करवाना चाहते हैं ताकि वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाए? बोलिए मिस अंजलि, बोलिए। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, मिस अंजलि पर जबरन दबाव बनाया जा रहा है जो कि गलत है। क्या गलत है और क्या सही है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मिस्टर माथुर, मुझे मेरा काम कर लेने दीजिए। हाँ तो मिस अंजलि, आप मुझे ये बताइए कि क्या ये बात सच नहीं है कि आप पूरी तरह नाबालिग हैं और ये जानते हुए भी आप शादी के लिए राजी हो गई हैं? मुझे कुछ नहीं मालूम जज साहब, मैं कुछ नहीं जानती, मैं क्या करूं? एक तरफ मेरा भाई और दूसरी तरफ मेरी बहन, मैं क्या करूं जज साहब? ये मत भूलिए मिस अंजलि की ये कोर्ट है, यहाँ बात आपके भाई और बहन की ही नहीं बल्कि आपकी खुद की है, और फैसला आप पर है कि आप किसे चुनती हैं। मिलॉर्ड,
आखिर मिस चांदनी जी साबित क्या करना चाहती है? जब मिस अंजलि ने कह दिया वो कुछ नहीं बोलना चाहती तो उनके ऊपर इतना दबाव क्यों बनाया जा रहा है? और रही बात बालिका ना वाली, तो ये क्या दो महीने छोटे या बड़े हो जाने से क्या फर्क पड़ जाता है? पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। अभी अभी मिस्टर माथुर ने कहा एक या दो महीने छोटे या बड़े हो जाने से क्या फर्क पड़ जाता है। मिस्टर माथुर, अगर आप अपनी माँ की कोख में एक या दो महीने पहले आ गए होते तो शायद ये बस यहाँ नहीं वहाँ कर रहे होते। बात कीजिए मिस चांदनी, क्यों अपनी बात नहीं तो मिस्टर लग गई। हाँ तो मिस अंजलि, ये मेरा आखिरी सवाल है, आप मुझे सच बताइए कि आपके बड़े भाई ने आप पर दबाव बनाया है या नहीं? कहीं आपकी ये खामोशी आपके लिए घातक ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आपकी बड़ी बहन के ऊपर कलंक लग जाए कि उसने। हाँ जज साहब, ये सच है कि मैं पूरी तरह से नाबालिग हूँ। जब मेरे बाबूजी इस दुनिया को छोड़कर गए थे तब मैं 10 साल की थी और आज मेरे बाबूजी को गुजरे 5 साल हो गए हैं। जज साहब मैं क्या करूँ, मैं भी एक लड़की हूँ और अब भी मैं खामोश रही तो शायद समाज के उन लड़कियों के लिए गलत होगा जो मेरी तरह कम उम्र में शादी के बंधन में बांध दी जाती है। भैया मुझे माफ कर देना, मुझे पता है आपने आज के समाज को देखते हुए मेरी शादी जल्दी करने का फैसला लिया, लेकिन भैया ये तो आपको भी पता होगा कि आप मेरी शादी इस उम्र में कर देंगे तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जज साहब मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इसने मेरे भाई को कोई सजा ना दी जाए क्योंकि उन्होंने भी मजबूर होकर यह फैसला लिया था। प्लीज जज साहब प्लीज। ऑर्डर ऑर्डर, मिस अंजलि की गवाही से यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि इनकी उम्र अभी 15 साल ही है। इतनी छोटी उम्र में शादी करना कानूनी जुर्म है। यह आजा ये अदालत मिस्टर रमेश कुमार को हुक्म देती है जब तक मिस अंजलि की उम्र 18 वर्ष न हो जाए तब तक इनकी शादी नहीं कर सकती।